तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं, गाना बनाते हैं नगाड़े जाट गुज्जर लिखते हैं, हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। देखा आपने किस तरह से ये महिला सिपाही वर्दी के टशन में रिवॉल्वर लेकर वीडियो बना रही है। देखते ही ये वीडियो सोशल मीडिया के समंदर में तैरने लगा और तैरते तैरते एसएसपी साहब के मोबाइल तक जा पहुंचा। फिर क्या था, एसएसपी साहब का माथा थनक गया और उन्होंने सुना दिया फरमान। वो फरमान भी ऐसा है जिसके बारे में जानकर अब हर कोई वर्दीधारी पुलिसकर्मी वीडियो बनाने से पहले 100 बार सोचेगा। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। आगरा के एमएम गेट में तैनात महिला सिपाही ने रिवॉल्वर के साथ रील यानी कि शॉर्ट वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया, जिससे पूरे महकमे में खलबली मच गई। सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और मामला अधिकारियों के संज्ञान में आ गया। एसएसपी ने जांच के बाद महिला सिपाही प्रियंका मिश्रा को लाइन हाजिर कर दिया। रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं, गाना बनाते हैं नगाड़े जाट गुज्जर लिखाते हैं, हमारे यहाँ 5-5 साल। जानकारी के मुताबिक करीब 2 हफ्ते पहले सोशल मीडिया में एक महिला सिपाही का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो रिवॉल्वर हाथ में लेकर डायलॉग बोलती नजर आ रही थी। छानबीन के बाद पाया गया कि वायरल वीडियो आगरा के एमएम गेट थाने में तैनात महिला सिपाही प्रियंका मिश्रा का है। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी मुनिराज ने सीओ कोतवाली अर्चना सिंह को जांच के निर्देश दिए थे। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद एसएसपी ने महिला सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया। जाट गुज्जर लिखाते हैं, हमारे 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। बैकग्राउंड देखने पर पता चल रहा है कि ये वीडियो थाना परिसर में ही बनाया गया है। इंटरनेट मीडिया में महिला सिपाही का वायरल हुआ वीडियो 21 सेकंड का है। किसी महिला पुलिसकर्मी का इंटरनेट मीडिया में वीडियो वायरल होने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन एसएसपी के तुरंत लिए गए एक्शन के बाद यूपी में सभी सिपाहियों ने इस तरह की हरकतों से तौबा जरूर कर ली होगी। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।